तो गाइस कि आप भी बहुत ही जल्दी इस बाइक को परचेज करने वाले हो, तो गाइस अगर आप भी बहुत ही जल्दी इस बाइक को लेने वाले हो ना, तो भाई ये वाली वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा खास बताने वाला हूँ कि ना आप ना इस बाइक को छोड़ के इस बाइक को परचेज करोगे, और वो क्यों, उसके लिए भैया आपको ना ये वाली वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो गाइस आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको ये बाइक क्यों नहीं परचेज करनी चाहिए और ये बाइक आपको परचेज करनी चाहिए। तो आज की वीडियो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है, तो चलिए भाई इसके साथ हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, तो वो है कि अगर आप परचेज करते हो हीरो एक्सट्रीम 125 आर ना, तो यार आपको जो भी एक्सेसरी है लाइक आपको लेग गार्ड वगैरह हो गया और फुटेज हो गया, वो आपको बाय करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इंजन कॉल के बारे में, तो भाई वो भी आपको अलग से लेना पड़ता है, जिसका आपको कॉस्ट लगभग 1200 रुपए के आसपास का आता है, और जो बाइक की सारी एक्सेसरी है ना वो आपको लगभग 3000 के आसपास की पड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों चलो वो तो यार पे करना पड़ता है, कोई चक्कर नहीं है, बट यार कम से कम बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया दो ना। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा, तो यहाँ पर जो बाइक का लेग गार्ड है ना भाई, ये कंपनी से लगवाया, तो आप देख सकते हैं भाई कितना हिलता है भाई ये, और भाई कितनी बेकार बिल्ड क्वालिटी है इसकी। मान लो अगर भाई गिरती हुई है भाई, तो भाई ये आराम से टूट जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं बजाज पल्सर NS125 के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको सारा कुछ जो है ना वो भाई आपको कंपनी फिटेड मिलता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। तो अगर बात करते हैं बाइक के लेग गार्ड के बारे में, तो यार बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है लेग गार्ड की बाइक के, तो देख सकते हैं भाई हिलाने से भी नहीं हिल रहा। और वहीं अगर बात करते हैं इसकी, तो भाई थोड़ा सा भी अगर करते हैं ना भाई पूरा हिलता है यहाँ से, देखो पूरा जॉइंट हिल रहा है इसके। और अगर कोई बॉडी बिल्डर थोड़ा जोर लगाएगा ना, तो भाई टूट जाएगा भाई, मैं इतना बोलता हूँ आपको। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो फुट रेस्ट है तो मिलता है आपको, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर आपको मेटल का साड़ी गार्ड मिलता है। इसके अलावा बहुत ही बढ़िया चीज़ वही है कि यहाँ पर आपको इंजन कॉल कंपनी फिटेड आपको देखने को मिल रहा है, जिससे जो बाइक का लुक है वो काफी यहाँ पर शानदार हो जाता है। तो ये मेरे को यार बहुत ही बढ़िया चीज लगी इस बाइक के अंदर, जो कि भाई हीरो स्ट्रीम 125 आर में मिसिंग है। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, तो वो है यार बाइक की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर NS125 की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। तो अगर बात करते हैं इस बाइक की पावर के बारे में, तो आपको इस बाइक से ना 11.9 पीएस की पावर मिलती है। और अगर बात करते हैं एक्सट्रीम 125 आर के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस बाइक में ना 11.5 पीएस के आसपास की जो पावर है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो बाइक का पिकअप है ना भाई, इस बाइक का पिकअप बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और मान लो अगर आप बड़े घेर में हो, स्पीड आपकी कम हो जाती है, तो वो ये जो बाइक है ना बिल्कुल भी बंद नहीं होती, बट ये जो बाइक है वो कई बार बंद हो जाती है। बट यहाँ पर इस बाइक में ना एक बहुत ही बढ़िया चीज है, वो ये कि यार जो बाइक का स्टार्टिंग का पिकअप है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर आप पहले घेर भाई रेस दोगे ना, तो एकदम जंप पिकअप आपको मिलेगा, बट इसमें भाई ये चीज नहीं मिलती। बट जो पिकअप बहुत ज्यादा स्मूथ है, और जो भी भाई बाइक के पीछे बैठेगा ना, वो ऐसा नहीं कि भाई गिरेगा पीछे, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो भी मेरे को ना NS125 का जो मतलब परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, तो वो है बाइक का सिटिंग कम्फर्ट। तो यहाँ पर गाइज अगर आपने NS125 यूज किया है ना, तो आपको पता होगा कि यार बाइक का जो सिटिंग कम्फर्ट है बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि यार जो बाइक की सीट है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बट अगर इस बाइक को कंपेयर करते हैं भाई ST125R से, तो ना थोड़ी सी हार्ड है इस बाइक की सीट, बट भाई कंफर्टेबल तो ये भी है। बट अगर बात करते हैं कौन सी बाइक की सीट ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई NS125 की जो सीट है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत राइडर के लिए और पिलियन राइडर के लिए। इसके अलावा इस बाइक की जो पिलियन राइडर की सीट है वो थोड़ी सी भाई छोटी है। बाकी अगर आपने इन दोनों में से किसी बाइक को यूज किया, आपको कौन सी बाइक की सीटिंग कंफर्ट ज्यादा बेहतर लगा, तो ये आप हमें प्लीज कमेंट करके शेयर करना। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो वो ये है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक का हाईवे के ऊपर राइडिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह कहूंगा कि भाई NS125 का जो राइडिंग एक्सपीरियंस हाईवे के ऊपर बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई इस बाइक का जो वेट है ना वो यार 144 केजी के आसपास का, और जो बाइक का हैंडल है वो भी काफी ज्यादा हार्ड है। तो अगर आप बाइक को हाईवे पे लेकर निकलते हो ना, तो आपको जो बाइक है भाई स्टेट ही जाएगी भाई, और जो बाइक है ना वो पूरी चिपक के चलती है। तो ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा हाईवे राइडिंग के लिए। बाकी बात करते हैं एक्सट्रीम 125 आर के बारे में, तो यहाँ पर जो बाइक का हैंडल है वो बहुत ज्यादा हल्का है। तो सिटी के लिए भाई मैं कहूँगा कि ये बेस्ट बाइक है, बट हाईवे के लिए इससे बेहतर ये बाइक नहीं है। और अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट के बारे में, तो वो है भाई दोनों बाइक के लुक्स। तो भाई मेरे को सबसे ज्यादा लुक लगी अच्छी NS125 की, क्योंकि यहाँ पर जो नई हेडलाइट बैक में दी है ना, इसका लुक बहुत ज्यादा प्यारा है। बाकी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको डियर लाइट्स दी गई है, और यहाँ पर आपको न्यूली डिजाइन हेडलाइट का सेटअप बाइक में आपको देखने को मिल जाता है, और जो हेडलाइट का लुक का भाई सच में काफी ज्यादा प्यारा। बाकी अगर बात करते हैं एक्सट्रीम 125R के बारे में, तो ना भाई एक्सट्रीम के सामने वाली बाइक जो है वो ज्यादा बेहतर दिखती है। बाकी दोस्तों आपको दोनों में से कौन सी बाइक का लुक बढ़िया लगता है, तो ये तो भाई आपको मेरे को प्लीज यार कमेंट करके बता नहीं है। और ये ना मेन पॉइंट है दोनों बाइक के लुक्स को लेकर, तो ये आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। और अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट के बारे में, तो भाई सिक्स्थ पॉइंट है दोनों बाइक के रेयर हगर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो रेयर हगर बाइक में दिया है ना भाई, वो इतना अच्छा नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों बाइक को मैंने इसमें वॉश कराया था, और दोनों बाइक सेम रास्तों पर चले हैं, बट यहाँ पर काफी ज्यादा मिट्टी आप देख सकते हैं आ चुकी है। देखो आप, तो मैं कैमरा में से बोलूंगा मिट्टी दिखा दो भाई, कितनी मिट्टी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये और ये सारा गंदा इस बाइक का हो चुका है। इसके अलावा बात करते हैं भाई NS125 के बारे में,
तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो बाइक में रेयर रगड़ दिया है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो ये चीज पूरी कवर है बाइक की, जिससे यहाँ पर काफी कम मिट्टी आती है। इसके अलावा जो हमारी बाइक है ना वो बारिश के समय में काफी कम गंदी होती है। इसके अलावा आगे से तो थोड़ी बहुत गंदी चलो बाइक हो जाती है, बट यार पीछे से बाइक जो है वो ना के बहुत ही कम गंदी होती है। तो ये मेरे को ना बहुत ही बढ़िया चीज लगी NS125 में, बाकी ये चीज ना इसके अंदर भी होनी चाहिए। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 7 है वो यहाँ पर रहने वाला है दोनों बाइक्स की किक स्टार्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो किक स्टार्ट बाइक में दी है ना वो भी काफी कमजोर सी लगती है, और आप डिजाइन चेक कर सकते हो भाई यार कितना बेकार सा डिजाइन यहाँ पर दिया गया है इस बाइक का, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं NS125 के बारे में, तो यहाँ पर गाइस किक जो है वो काफी मोटी है इस बाइक में। इसके अलावा ना प्रॉपर आपको रबर दी गई है और डिजाइन काफी बढ़िया है यहाँ पर किक का। तो अब गाइस बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, तो वो होने जा रहा है दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट के रिगार्डिंग कि भाई कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट ज्यादा लाउड है। तो पहले हम सुनने वाले हैं भाई एक्सट्रीम 125 का एग्जॉस्ट साउंड। तो पहले भाई चलिए ऑन करते हैं इंजन को। तो कुछ ऐसा भाई एग्जॉस्ट का साउंड है। तो यहाँ पर इस बाइक का जो एग्जॉस्ट का साउंड है मेरे को नॉर्मल सा लगा, तो इसको बंद करते हैं फिलहाल और आप सुनते हैं भाई अपना NS125 का एग्जॉस्ट साउंड। तो करते हैं बाइक ऑन। तो यहाँ पर इस बाइक में ना अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया, तो यहाँ पर दोस्तों NS125 का जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो यार मेरे को काफी ज्यादा लाउड लगा। तो आपने दोनों बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुना है, तो आपको कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड बढ़िया लग रहा है ना, तो प्लीज हमें कमेंट करके शेयर करना। तो गाइस यही थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको NS125 छोड़कर इस बाइक को क्यों परचेस करना चाहिए, तो वो वाली वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर लाइव होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।